दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। दोस्तों कई बार आपने देखा होगा कि हम काफ़ी मेहनत करते हैं और उसके बावजूद भी छोटी छोटी सी गलतियों की वजह से हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। हम 10 कदम आगे बढ़ते हैं और 4 कदम पीछे चले जाते हैं, या 4 कदम आगे बढ़ते हैं कई बार 10 कदम पीछे चले जाते हैं। ये क्यों होता है? कई बार छोटे छोटे अपशकुन होते हैं, बड़े अपशकुन होते हैं जिन पर हम ध्यान नहीं दे पाते। तो मैं आपको ऐसे ही 10 अपशकुन के बारे में बताना चाहता हूँ आज, जिनको आप बचा कर, जिनसे आप बच कर आप अपनी किस्मत को रूठने से बचा सकते हैं। दोस्तों पहला है कि कभी भी आप भगवान को जब दीपक लगाएं तो ध्यान रखें कि वो पंखे की हवा से या किसी अन्य कारण से बुझना नहीं चाहिए। अगर ये दिया पूजा करते समय बुझ जाता है तो ये एक अपशकुन माना जाता है। दूसरा, रात को घर के बाहर अगर कोई कुत्ता रो रहा है तो बहुत बड़ा अपशकुन है वो। ऐसे में आपको क्या करना है, तुरंत जाइए और कुत्ते को वहाँ से दूर भगा दीजिए, घर के बाहर नहीं रोना चाहिए। जब आप किसी काम के लिए जाते हैं तो अगर कोई काली बिल्ली आपका रास्ता काट देती, जो कि आप पहले से जानते होंगे, तो ये एक बहुत बड़ा अपशकुन माना जाता है। दुर्घटना से देर भली, ये आपने सुना होगा। तो दोस्तों भले ही थोड़ा देर से जाइए, 5 मिनट रुक कर जाइए, लेकिन मन में संशय लेकर नहीं जाइए। अगला है, घर से निकलते समय आपको अगर पीछे से कोई पुकार लेता है, कोई आवाज़ लगा देता है, आप कोई बुला लेता है, तो ये भी अपशकुन माना जाता है। माना जाता है कि फिर आप जिस काम के लिए जा रहे हैं उसमें आप सफलता मिलने के आसार कम हो जाते हैं। घर में दीवार पर कोई तस्वीर टंगी है भगवान की या पूजा में मूर्ति रखी है तो गिरनी नहीं चाहिए। अगर वो गिर जाती है तो ये अपशकुन माना जाता है। तो कोशिश ये करें कि मूर्ति या तस्वीर इस तरीके से रखें कि वो गिरे ना। घर में कोई कांच का सामान या शीशा टूट जाता है तो टूटे हुए शीशे को या कांच के सामान को घर में कभी नहीं रखना चाहिए। माना जाता है कि इससे घर में अशांति का माहौल होता है। अगला है दोस्तों, किसी खास काम के लिए घर से बाहर निकलने के साथ ही अगर किसी महिला की रोने की आवाज़ सुनाई दे तो इसे अपशकुन समझते हुए थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए, थोड़ी सी देर के बाद निकलना चाहिए। दोस्तों अगर उड़ता हुआ कौआ आपके सिर पर हड्डी का टुकड़ा गिरा देता है तो ये बहुत भारी संकट का प्रतीक होता है। आपको उसके बाद में बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। दोस्तों कई बार आपने देखा होगा बिल्ली रोती हुई सुनाई देती है, दिखाई भी देती है। अगर बार बार अगर ये घटना आपके साथ हो रही है कि आपको कई बार रोती हुई बिल्ली दिखाई दे रही है या सुनाई दे रही है तो समझ जाइए कि आप पर कोई मुसीबत आने वाली है। और अंत में दोस्तों, यदि आपने अपने जीवन भर की कमाई से पैसा इकट्ठा करके घर खरीदा है और घर खरीदने के बाद में प्रवेश करते समय मरी हुई छिपकली आपको दिखाई दे जाती है तो दोस्तों विधि विधान से पूजा कराइए, उसके बाद ही घर में प्रवेश करिए। मरी हुई छिपकली का नए घर में मिलना बहुत बड़ा अपशकुन है। दोस्तों ये छोटे छोटे से 10 अपशकुन थे जो मैंने आपको बताए, इनको इनसे आप बचिए। और दोस्तों हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।